विधानसभा सीट ईचागढ़। झारखंड की ईचागढ़ विधानसभा सीट रांची लोकसभा के तहत आती है। ईचागढ़ सीट सरायकेला खरसावा जिले का हिस्सा है। 2005 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से झामुमो नेता सुधीर महतो विधायक चुने गए थे। वहीं 2009 के चुनाव में ईचागढ़ से झारखंड विकास मोर्चा के नेता अरविंद कुमार सिंह विधायक चुने गए थे। तो 2014 के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट साधुचरण महतो ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू और बीजेपी के अलग चुनाव लड़ने से जेएमएम को फायदा हुआ और जेएमएम कैंडिडेट सविता महतो ने ईचागढ़ से जीत हासिल कर लिया था। इस बार आजसू ने एक बार फिर हरेलाल महतो पर दाव खेला है। बदले सियासी समीकरण में ईचागढ़ सीट पर हरेलाल महतो की स्थिति काफी मजबूत लग रही है। वहीं ईचागढ़ विधानसभा सीट पर 2019 के चुनाव में जेएमएम कैंडिडेट सविता महतो ने जीत हासिल की है। सविता महतो 57,546 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो आजसू कैंडिडेट हरेलाल महतो 38,836 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, तो बीजेपी उम्मीदवार साधुचरण महतो 38,485 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में ईचागढ़ सीट से बीजेपी कैंडिडेट साधुचरण महतो ने जीत हासिल की थी। बीजेपी कैंडिडेट साधुचरण महतो ने 75,634 वोट हासिल किया था। वहीं जेएमएम कैंडिडेट सविता महतो ने 33,384 वोट हासिल किया था। इस तरह से बीजेपी कैंडिडेट साधुचरण महतो ने जेएमएम कैंडिडेट सविता महतो को 42,250 वोट से करारी शिकस्त दी थी। वहीं जेवीएम कैंडिडेट अरविंद कुमार सिंह 28,999 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव में ईचागढ़ सीट से जेवीएम कैंडिडेट अरविंद कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी, तो आजसू कैंडिडेट विश्व रंजन महतो को 27,829 वोट मिला था। इस तरह से जेवीएम कैंडिडेट अरविंद कुमार सिंह ने आजसू कैंडिडेट विश्व रंजन महतो को 17,636 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दे दी थी। वहीं जेवीएम कैंडिडेट सुधीर महतो 21,396 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार ईचागढ़ सीट पर बीजेपी और आजसू के मिलकर चुनाव लड़ने से जेएमएम उम्मीदवार को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आजसू और बीजेपी के साथ आने से इस बार ईचागढ़ से हरेलाल महतो की जीत की संभावना बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।